एकदम साफ है, जो सांप्रदायिक शक्तियां जो देश में दंगाई दंगा फसाद कराने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें, तो इसलिए हम लोग जो है ये तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में होने वाली है, तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। पीएम फेस को लेकर बताया जा रहा है कि लोग जमा तो हो जा रहे हैं, पार्टियां इकट्ठी तो हो जा रही है, लेकिन फेस कौन होगा पीएम की रेस में, कौन सा? देखिए, जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। एक आखिरी सवाल है, एलपीजी के दाम घट गए हैं और बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। नहीं, एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपए ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है, अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी गई हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा जो है ये चुनावी स्टंट है। और जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, तो मतलब तो कुछ रहता नहीं है। 24 की तैयारी पूरी है, एकदम एकदम तैयार हम लोग।